जीवन में विवेक की प्रधानता आपके जीवन में जरूर होनी चाहिए। आप जान लो, अगर विवेकवान बनोगे तो आप जीवन में दुख नहीं पाओगे, विवेकवान नहीं पाओगे तो आपका सब कुछ छीन जाएगा, एक दिन सब कुछ छीन जाएगा। क्या बोले भगवान गीता में? बोले क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध करोगे सम्मोहन होना। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोहन के कारण आपकी स्मृति का भ्रम होगा। स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो, उससे बुद्धि का नाश होगा और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, यानी क्रोध एक दिन आपके पूरे खानदान को लेकर के डूब जाएगा। क्रोध में आ गया, बच्चे को उठा करके डंडा मारे, उसके सर पे लगा, गिरा, मर गया। क्रोधात बहुत सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाता बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आप देखना, ये प्रकृति का नेचर है। जब जब हम अधर्म के मार्ग पे जाते हैं तो हमारा शरीर काला पड़ने लगता है। जब जब हम अधर्म के मार्ग पे जाते हैं, काली छाई जीवन में चली आती है, आपके शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। जीवन में अधर्म बढ़ा और क्रोध भी, क्रोध भी पाप है। अगर आपको बहुत क्रोध आता है तो आप जाना पाप के शिकार हो गए हो। अब आप नाश की तरफ जाओगे, निश्चित नाश होगा। इसलिए भगवान गलत तो बोले नहीं, क्रोध ही आपके नाश का कारण बन सकता है। इसलिए विवेकवान व्यक्ति, अभी जैसे मैं बताऊं, आज रात की मैं बात बताऊं, आज रात को मैं सोया था, वो जहां हम हैं कमरा में, वहां दो ठो चूहा घुस गए मोटे मोटे एकदम। एक तो हम 1 बजे रात को सोए, अब रात को चूहा बेड पे आकर के एक बार हमको काट करके भाग गया। वैसे ऐसे चढ़ करके हम नींद खुली देखे तो भाग गया, चढ़ करके चला गया टाण पर चला गया। तो हम सोचे चलो अच्छा छोड़ो जाने दो, भाग गया छोड़। फिर सोए, 1 घंटा बाद आया, फिर मेरे हाथ में काट करके भाग गया। अब नींद में तो हमारा सर तो बहुत ही दर्द कर रहा था, नींद पूरी नहीं हो रही थी। उठाए डंडा, वही गेट बंद करे छोटा वाला, हम क्या इनको पहले हम हंगाई देते हैं पहले, फिर हम सोचे जाने दो, क्यों मारना इसको, बेचारा बेचारे का स्वभाव है, गुस्सा आएगा, आपका स्वभाव है, गुस्सा आएगा आपका। लेकिन आपका गुस्सा जैसे बालू गर्म होती है वैसे ही जल्दी हीट हो और जल्दी आपका शांत होना चाहिए। आपके पास विवेक होना चाहिए। इसीलिए उठा लिए डंडा, खब मारेंगे इनको जरूर, लेकिन 2 मिनट बाद लगाया छोड़ो जाने दो। फिर छोटा वाला गेट खोल दिए, वो निकल करके भागा। आएगा, मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन विवेक आपकी रक्षा करता है। इसीलिए बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए फ्री में मिल रहा है, क्या जा रहा है? आपका भी कुछ नहीं जा रहा है, हमारा भी कुछ नहीं जा रहा है। 7 दिन सुनकर के हो सकता है कुछ लाभ मिल जाए, हो सकता है हमारी बुद्धि में कोई परिवर्तन आ जाए, हो सकता है हमें थोड़ा सा विवेक मिल जाए,